पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल के चंदोसी में बरगद और पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र है। सीता रोड शमशान भूमि के निकट 2 साल से अधिक पुराने बरगद के पेड़ को कुछ लोगों द्वारा काटे जाने पर विवाद उभर आया। हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर गुस्सा जाहिर किया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने पेड़ के कटान की परमिशन न होने पर लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया और हिंदू संगठनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया। सीता रोड स्थित शमशान भूमि के निकट सड़क किनारे 100 साल से अधिक पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ है। रविवार की देर शाम कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी के रास्ते में वर्धित बरगद के पेड़ का कटान शुरू कर दिया। अभी कटान चल ही रहा था, वहीं हिंदू संगठनों को मामले की भनक लग गई। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय प्रमुख कौशल किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोग पेड़ काटने पर लकड़ियां ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे, जिससे तीखी नोकझोंक भी हुई। सूचना पाकर वन विभाग के दरोगा सुनील कुमार सक्सेना, कमलेश कुमार, वन संरक्षण शिवम मौके पर पहुंच गए। कोतवाली पुलिस भी बुला ली। वन दरोगा सुनील कुमार ने बताया कि लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से कब्जे में ले लिया है। उक्त लोगों से पेड़ कटान की परमिशन मांगी गई। परमिशन न मिलने पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और उसमें हमने पुलिस के सहयोग से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वो थाना चंदोसी में दे दी गई है और पुलिस की कार्रवाई इसमें पूरी करा दी गई है। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध हमने प्रभावी कार्रवाई की है और इस क्षेत्र में अभी चाहेंगे भी अभियंता से अपील भी करेंगे कि इसमें कहीं भी कोई अवैध कटान हो तत्काल हमको सूचना दें, हम इसमें और कड़ी कार्रवाई करते हैं। इसलिए कदम उठाया गया है क्योंकि लोगों को इसमें थोड़ा सा एक सबक मिले।